दोस्तों मैं पंकज, आज इस वीडियो में सीलिंग फ़ैन है, ये सीलिंग फ़ैन को फिटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे फिट होता है। तो कितने व्यूवर जो हमारे ग्रुप में आएंगे वो कह रहे हैं जी फिटिंग कैसा होता है, ये दिक्कत करता है, ऐसे दिक्कत, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझाएंगे आपको कि कैसे फिट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, आओ देखें। तो ये देखें, ये इसका स्टेटर है, ये नीचे स्प्रिंग लगती है बैरिंग को सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा अंदर ना जाए बैरिंग। ये देखें, इसको हम नीचे रख के देखते हैं बैरिंग लगा के, ये सीट हमारी सही आ रही है नहीं आ रही है, इसे आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए। सीट सही नहीं आएगी तो ये हमारा स्टेटर अड़ेगा और दिक्कत करेगा अड़ने में, ठीक है जी। तो इसको पहले आप पहले चेक कर लीजिए, थोड़ा सा हिल रहा है ये, तो इसमें हम देखते हैं क्यों हिल रहा है। इसे थोड़ा सा कर लेते हैं, ये देखें, इसमें हमें लग रहा है कि सीट दिक्कत कर रही है, इसकी सीट कटी हुई है उस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। तो अब इसमें हमें सीट पे रेती से हमने टक ठा लिए हैं, देखें रेती की मदद से हमने टक ठा लिए हल्की हल्की चोट से, और ये अब जो हमारा बैरिंग टाइट आ जाएगा और ये दिक्कत नहीं करेगा। ये देखें, हम पहले ऊपर वाले कवर में फंसाते हैं उसको, उसके बाद हम ऊपर वाले में भी रिंग लगा सकते हैं या नीचे में रिंग लगा कर देख सकते हैं। तो ये देखें, ये स्प्रिंग लगा लिया हमने और ऊपर वाले पे ये रिंग लगा लिया, इसे हम घुमा के देख लेते हैं, चाहे ये हमारा लूज है। उसके बाद हम ये कवर लगा लेते हैं, अब हम पेंच के सुराख मिलाते हैं, ये देखें, ये आपको सुराख मिला के और इसमें पेंच कस देने हैं। पंखा फिटिंग करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इतनी छोटी सी है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है तो आप कमेंट करें, मैं उसमें थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा, जहाँ पे भी दिक्कत आए आप उसे कमेंट कर सकते हैं। ये देखें, अब हमने पेंच कस दिया, पंखा बिल्कुल फ्री है, क्योंकि जो हमने टक ठाए हैं ये हमारा दिक्कत कर देता है, हम इसका ध्यान नहीं देते हल्की हल्की चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का, और जो हमारा पंखा अड़ता रहता है, अलाइनमेंट सही नहीं होगी तो ये दिक्कत आती है। तो ये पेचकस की मदद से हमने तीनों पेंच कस दिए इसके, ये देखें, ये देखें हमारा पंखा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब हम इसमें कैपेसिटर लगा लेते हैं, और ये देखें चार तार हैं, चार तार में से जो नीले वाला है वो रनिंग का है, और पीले वाला है वो स्टार्टिंग का है, वो आप देख सकते हैं। और जो हमने दूसरे चैनल पे भी इसको चेक करना होता रखा कैसे चेक करते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ये देखें, स्टार्टिंग रनिंग आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, हर मोटर का हर उसका कनेक्शन ऐसे होता है सिंगल फेज का, एक स्टार्टिंग एक रनिंग में कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये देखें, अब हमें मैन तार जो लगाने हैं रनिंग में लगाने हैं, एक रनिंग में हो गया, एक रनिंग स्टार्टिंग में हो गया, ठीक है जी। ये देखो, जब हम डायरेक्ट ही चेक कर रहे हैं, और जो आप है वो सावधानी से करें, नहीं तो ना ऐसा करें। ये देखें, हमारा सही घूम रहा है, चक्कर भी सही है, इधर घूमेगा और जब लटक जाएगा ऊपर तो इधर घूमेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें पंकज धवानिया चैनल को इस लाल बटन को दबा के, और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मैसेज पाएं अपने मोबाइल पे इस बेल आइकन को दबा के।